कल हमने लोकोमोशन इन एनिलिड्स में अर्थवर्म के एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोकोमोशन इन एनिलिड्स में नेरीज के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि नेरीज में कैसे लोकोमोशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम नेरीज की बात करें तो नेरीज में एक स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया की हेल्प से नेरीज लोकोमोशन करता है। पैरापोडिया एंड सीटे, पैरापोडिया और सीटे की हेल्प से लोकोमोशन करता है नेरीज। अर्थवर्म की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अर्थवर्म में कोई भी स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। सीटे, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सिलोमिक फ्लूइड, इनकी हेल्प से अर्थवर्म लोकोमोशन कर रहा था। लेकिन नेरीज में एक स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया। तो एग्जाम में या तो लोकोमोशन इन एनिलिड्स के बारे में आए तो आप अर्थवर्म का भी एग्जाम्पल कर सकते हैं और नेरीज का भी एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर नेरीज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम आप जो डिस्कस करेंगे वो बताएंगे, और अगर पैरापोडियल लोकोमोशन, डिफाइन पैरापोडियल लोकोमोशन आए तो आपको नेरीज का एग्जाम्पल करके आना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेरीज की बात करें तो नेरीज में पैरापोडिया प्रेजेंट है। पैरापोडिया दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बिसाइड पैरा प्लस पोडिया। पैरा का मतलब होता है यहाँ पे बिसाइड यानी साइड में, और पोडिया का मतलब होता है यहाँ पे फुट यानी पैर, यानी कि बिसाइड में पाए जाने वाले फुट यानी लेटरल साइड में पाए जाने वाले पोडिया, साइड में पाए जाने वाले फुट उन्हें हम कहते हैं पैरा पोडिया। जैसे कि ये मान लो बॉडी है, यहाँ पे ये सेगमेंटेड बॉडी है। हमें पता है एनिलिड्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिलिड्स फाइलम में, उनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है और पैराबोडिया कहाँ प्रेजेंट है, बिसाइड फूड यानी साइड में प्रेजेंट है। पैरापोडिया आर फ्लैशी, पैडल लाइक फ्लैशी है और पैडल के जैसे है। लोकोमोटरी अपेंडिक्स अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेटरल साइड से अराइज है, फ्लैशी है, पैडल लाइक है और बॉडी के लेटरल साइड से अराइज है। ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, सभी सेगमेंट्स में पैरापोडिया प्रेजेंट है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। बॉडी के फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट को छोड़ के सभी सेगमेंट्स में पैरापोडिया प्रेजेंट है। और एट द मिड, मिड में सबसे लार्जेस्ट पैरापोडिया पाए जाते हैं, एट मिड लार्जेस्ट। नेरीज में एक स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरा और पोडिया। पैरा यानी बिसाइड, पोडिया यानी फूड यानी साइड में, लेटरल साइड में पाए जाने वाले फूड जो सभी सेगमेंट में प्रेजेंट है फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, और मिड में सबसे लार्जेस्ट पाए जाते हैं। पैरापोडिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब अगर हम पैरापोडिया की बात करें, पैरापोडिया एक बायरमस स्ट्रक्चर है, यानी पैरापोडिया में दो रमी प्रेजेंट है, दो पार्ट है, एक नोटोपोडियम एक न्यूरोपोडियम। हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक डोर्सल पार्ट और एक वेंट्रल पार्ट। तो इसके डोर्सल पार्ट को तो हम कहेंगे नोटोपोडियम और इसके वेंट्रल पार्ट को हम कहेंगे न्यूरोपोडियम, यानी डोर्सल नोटोपोडियम एंड वेंट्रल न्यूरोपोडियम। अब अगर डोर्सल नोटोपोडियम की बात करें, ऊपर वाले पार्ट की हम बात करें, तो इसके भी वेंट्रल और डोर्सल दो पार्ट हैं। तो डोर्सल नोटोपोडियम का जो डोर्सल पार्ट है उसे हम कहते हैं सुपीरियर लिंगुला, और इसका जो वेंट्रल पार्ट है उसे हम कहेंगे इन्फीरियर लिंगुला। सुपीरियर लिंगुला लार्ज होता है और इन्फीरियर लिंगुला स्मॉल होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें वेंट्रल न्यूरोपोडियम की, तो इसके भी दो पार्ट हैं, डोर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल न्यूरोपोडियम के डोर्सल भाग की बात करें तो सुपीरियर लिंगुला, और इन्फीरियर की बात करें तो वेंट्रल इन्फीरियर लिंगुला। ये दोनों सेम इन साइज है। नोटोपोडियम का जो सुपीरियर लिंगुला था वो लार्ज था, इन्फीरियर स्मॉल था, लेकिन न्यूरोपोडियम में जो सुपीरियर लिंगुला और इन्फीरियर लिंगुला का साइज है वो सेम है। बीच में से यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, रोड शेप स्ट्रक्चर जो काइटिन की बनी हुई है, उसे हम कहते हैं एसिकुलम। एसिकुलम प्रेजेंट है, रोड शेप है और काइटिन की बनी हुई है। इस एसिकुलम से यहाँ पे मसल्स अटैच है जिसे हम कहते हैं एसिकुलर मसल्स। एसिकुलम से अटैच है एसिकुलर मसल्स डोर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में। बोथ साइड में सीरस प्रेजेंट है, डोर्सल को हम कहेंगे डोर्सल सीरस और जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे वेंट्रल सीरस।
सीटें निकले हुए हैं जो स्पाइन लाइक है एसिकुलम से, नोटोपोडियम की साइड में जो सीटें प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे नोटोचीटे या नोटोसीटे, और जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है यानी न्यूरोपोडियम की साइड में उसे हम कहेंगे न्यूरोसीटे। ये स्पाइन लाइक होते हैं नेरीज की कंडीशन में। अब वेंट्रल साइड से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिर्फ वेंट्रल में, डोर्सल में नहीं सिर्फ वेंट्रल में, जिसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। ये था पैरापोडिया ऑफ नेरीज की स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम पैरापोडिया ऑफ हेटरोनेरीज की स्ट्रक्चर देखें, दो कंडीशन होती है, एक नेरीज की एक हेटरोनेरीज की। नेरीज की पैरापोडिया है जब नेरीज इनिशियल स्टेज में होता है, जब बोरो बना के रहता है सोइल में। अब अगर हम हेटरोनेरीज की बात करें यानी उसकी सेक्सुअल स्टेज में, जब नेरीज सेक्सुअल स्टेज में आता है तो उसके पैरापोडिया में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हेटरोनेरीज कब होता है, जब सेक्सुअल स्टेज की बात हो। इनिशियल स्टेज में तो बोरो बना के रहता है लेकिन सेक्सुअल स्टेज में उसे फ्रीली स्विम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके जो सीरस है, इसके सीरस शॉर्ट थे डोर्सल और वेंट्रल, और हेटरोनेरीज की कंडीशन में जो सीरस है वो लॉन्ग होते हैं। डोर्सल सीरस भी लॉन्ग है और वेंट्रल सीरस भी लॉन्ग है। जो सीटे है नोटोसीटे और न्यूरोसीटे, यहाँ पे स्पाइन लाइक थे और यहाँ पे ओर लाइक है, यानी कि पैडल के जैसे, स्विम करने के लिए हेल्प करने के लिए ओर के जैसे, नाव के पतवार के जैसे प्रेजेंट है ओर लाइक नोटोसीटे, या फिर हम कह सकते हैं ओर लाइक सीटे। सेकेंड बात करें, यहाँ पे फोलेशियस लोब प्रेजेंट होता है, यानी कि एक आउटग्रोथ निकली होती है हेटरोनेरीज में, जिसे हम कहते हैं फोलेशियस लोब, जो कि नेरीज के कंडीशन में एब्सेंट है। एक फोलेशियस लोब प्रेजेंट होता है आउटग्रोथ, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। रोड लाइक स्ट्रक्चर काइटिन की बनी हुई, एसिकुलम और एसिकुलर मसल्स भी प्रेजेंट है। अब अगर इसकी बात करें नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम की, तो दो नोटोपोडियम है उसका सुपीरियर लिंगुला और इन्फीरियर लिंगुला दोनों सेम ही साइज है, जबकि इसका जो नोटोपोडियम था इसका सुपीरियर लिंगुला लार्ज था, इन्फीरियर लिंगुला स्मॉल था। न्यूरोपोडियम की बात करें तो यहाँ पे जो इसका सुपीरियर लिंगुला है वो तो है लार्ज और इन्फीरियर लिंगुला होता है स्मॉल, और इस कंडीशन में सुपीरियर लिंगुला और इन्फीरियर लिंगुला दोनों सेम इन साइज थे। तो ये डिफरेंस है पैरापोडिया इन नेरीज और पैरापोडिया इन हेटरोनेरीज में, कि इसके सीटे स्पाइन लाइक है, इसके ओर लाइक है, इसमें आउटग्रोथ प्रेजेंट है फोलेशियस लोब, इसमें एब्सेंट है, इसके सीरस लॉन्ग है, इसके सीरस शॉर्ट है। अब अगर हम नेरीज के सेकेंड लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो वो है सीटे। सीटे की बात करें तो सीटे में दो जॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक प्रॉक्सिमल शाफ्ट जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और दूसरा डिस्टल ब्लेड जो इससे जॉइंट प्रेजेंट है, और इस दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे जॉइंट। यानी सीटे में एक प्रॉक्सिमल शाफ्ट प्रेजेंट है और एक डिस्टल ब्लेड प्रेजेंट है। तो नेरीज की कंडीशन में सीटे थ्री टाइप से हो सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सीटे आर प्रेजेंट इन नेरीज। सबसे फर्स्ट बात करें नेरीज की कंडीशन में, तो वो सीटे जिसका जो शाफ्ट है वो तो है लॉन्ग शाफ्ट लॉन्ग, और जो ब्लेड है सीरेटेड मार्जिन ब्लेड इज शॉर्ट। शाफ्ट जब लॉन्ग हो और ब्लेड जब शॉर्ट हो और बीच में यहाँ प्रेजेंट है जॉइंट, तो वो होगा नेरीज की कंडीशन में सीटे। सेकंड बात करें जिसका शाफ्ट शॉर्ट हो, जिसका शाफ्ट शॉर्ट हो और जो ब्लेड है वो लॉन्ग हो। फर्स्ट कंडीशन में शाफ्ट लॉन्ग था और ब्लेड शॉर्ट, सेकंड कंडीशन में शाफ्ट शॉर्ट एंड ब्लेड इज लॉन्ग, ये भी नेरीज के कंडीशन में। थर्ड टाइप ऑफ सीटे की बात करें, शाफ्ट शॉर्ट है लेकिन जो ब्लेड है वो ओर लाइक है, यानी नाव के पतवार की शेप में है, ताकि जब सेक्सुअल स्टेज में नेरीज को स्विमिंग करना पड़े तो जो सीटे काम आते हैं वो है हेटरोनेरीज के कंडीशन में, जिसकी जो ब्लेड है वो ओर लाइक हो और शाफ्ट शॉर्ट हो। ये है थ्री टाइप्स ऑफ सीटे प्रेजेंट इन नेरीज। अब अगर हम नेरीज में लोकोमोशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करें, तो नेरीज में लोकोमोशन टू टाइप से हो सकती है, क्रॉलिंग एंड स्विमिंग। सबसे फर्स्ट हम अगर क्रॉलिंग की बात करें, तो ड्यूरिंग क्रॉलिंग ईच पैरापोडिया परफॉर्म्स टू स्ट्रोक। क्रॉलिंग के टाइम पे हर एक पैरापोडिया दो स्ट्रोक फॉलो करता है, फर्स्ट है इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सेकेंड है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक को हम बैक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं और रिकवरी स्ट्रोक को हम फ्रंट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिकवरी स्ट्रोक के टाइम पे जो बॉडी है वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगी, इसलिए फ्रंट स्ट्रोक। क्रॉलिंग के टाइम पे हर एक पैरापोडिया दो स्ट्रोक फॉलो करेगा, एक बैक स्ट्रोक और एक फ्रंट स्ट्रोक। सबसे पहले बात करें हम इफेक्टिव स्ट्रोक की, तो इफेक्टिव स्ट्रोक को हम फ्रंट टू बैक मूवमेंट भी कह सकते हैं, फ्रंट टू
बैक मूवमेंट। एसिकुलम एक्सटेंडेड, इफेक्टिव स्ट्रोक के कंडीशन में जो एसिकुलम है वो सबसे पहले एक्सटेंड होंगे एंड पैरापोडिया लोअर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद सबस्ट्रेटम एंड मूव्स बैकवर्ड अगेंस्ट सबस्ट्रेटम। एसिकुलम एक्सटेंड होंगे और सबस्ट्रेटम के अगेंस्ट जो पैरापोडिया है वो बैकवर्ड मूव करेगा। ऑल पैरापोडिया ऑफ वन साइड बीट इन वन डायरेक्शन। जो पैरापोडिया है हर खंड के, हर सेगमेंट के जो पैरापोडिया है वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो दूसरे हैं वो सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी अल्टरनेटेटली हर जो पैरापोडिया, हर सेगमेंट का जो पैरापोडिया है वो मूव करेगा। दस पैरापोडिया ऑफ ईच सेगमेंट बीट अल्टरनेटली इन अपोजिट डायरेक्शन, की एक खंड के पैरापोडिया एक तरफ डायरेक्शन करेंगे, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। सेकंड है रिकवरी स्ट्रोक। जैसे इफेक्टिव स्ट्रोक में एसिकुलम एक्सटेंड हो गए थे, ऐसे रिकवरी स्ट्रोक में जो एसिकुलम है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे, पैरापोडिया लिफ्ट हो जाएंगे, पैरापोडिया लिफ्टेड एंड मूव्स फॉरवर्ड और आगे की तरफ मूव करेंगे। यह है फ्रंट बैक टू फ्रंट मूवमेंट, बैक टू फ्रंट, ये था फ्रंट टू बैक मूवमेंट। द कंबाइंड इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक ऑफ न्यूमरस पैरापोडिया प्रोपेल द वर्म फॉरवर्ड। अब इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन के कारण इन दोनों को कंबाइन करके हम देखें तो हम देखेंगे कि वर्म फॉरवर्ड मूव कर रहा है। जैसे कि ये कोई बॉडी सेगमेंट है, ये फ्रंट टू बैक मूवमेंट है यानी इफेक्टिव स्ट्रोक है, और ये रिकवरी स्ट्रोक है यानी बैक टू फॉरवर्ड मूवमेंट। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे स्विमिंग की, तो बिसाइड मूविंग ऑफ पैरापोडिया मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन। इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के अलावा, क्रॉलिंग के अलावा अगर स्विमिंग करना हो नेरीज को तो इसमें मसल्स का रोल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से पैरापोडिया ऑफ दैट साइड मूव फॉरवर्ड, पैरापोडिया फॉरवर्ड मूव करेंगे, उस साइड के पैरापोडिया फॉरवर्ड मूव करेंगे एंड रिलैक्सिंग कॉजेस द पैरापोडिया टू मूव बैकवर्ड। और जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तब पैरापोडिया बैकवर्ड मूव करेंगे। जब स्विमिंग करना हो तो मसल्स का रोल है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का रोल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस साइड के पैरापोडिया फॉरवर्ड मूव करेंगे, जब ये मसल रिलैक्स होंगे तो वो पैरापोडिया बैकवर्ड मूव करेंगे। यानी कि मूवमेंट ऑफ पैरापोडिया इज रेगुलेटेड बाई ऑब्लिक एंड पैरापोडियल मसल। ऑब्लिकली पैरापोडियल मसल के कारण जो स्विमिंग है वो रेगुलेट होगा एंड ऑल्सो सिलोमिक फ्लूड इंक्रीजेस, सिलोमिक फ्लूड भरेगा, बीच में जो सिलोम प्रेजेंट है उसमें फ्लूड भरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के कारण सिलोमिक फ्लूड इंक्रीज होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा, रिजिडिटी उत्पन्न होगी जिसकी वजह से जो पैरापोडिया को हेल्प करेगा, पैरापोडिया विच हेल्प्स द ऑर्गन टू स्ट्रोक इफेक्टिवली एंड पावरफुली इन वाटर, ताकि जो पैरापोडिया है वो इफेक्टिवली और पावरफुली वाटर में स्विम कर सके।